हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज का स्पेशल वीडियो दोस्तों शबनम और सलीम को लेकर है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% यह पता चल जाएगा कि हाँ, शबनम की जो सजा सुनाई गई थी 2012 में, क्या वह उम्र कैद में बदल दी जाएगी या नहीं बदली जाएगी, क्या उसे फांसी की सजा दी जाएगी या फिर उम्र कैद दी जाएगी। और दोस्तों जनता का एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या शबनम की इस तरह से यह सजा उम्र कैद में बदल दी जाएगी, क्या सलीम की भी इसी तरह से वह सजा बदल दी जाएगी। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना ताकि आगे भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर बताना चाहता हूं कि 2008 का यह मामला है और 2021 चल रही है और कितने साल हो गए, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 14-15 साल होने को है। दोस्तों 14 साल से अधिक हो चुकी है और अभी तक इस मामले में कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है। इस कारण से दोस्तों जनता के मन में भी कुछ न कुछ सोच विचार चल रहा। सबसे बड़ा सवाल है क्या शबनम की वह 2012 वाली जो सजा है वह उम्र कैद में बदल दी जाएगी। तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल दोस्तों 99% चांस अब उस सजा को उम्र कैद में बदलने के हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों इस मामले में ना जाने कितनी याचिकाएं लग चुकी हैं। दोस्तों अभी 2021 में हाल ही में दोस्तों इलाहाबाद की हाईकोर्ट की एक महिला वकील है, उन्होंने भी शबनम को लेकर एक याचिका लगा दी है। दोस्तों उस याचिका को तुरंत राज्यपाल के द्वारा सुनवाई कर लिया गया, यानी उस जो याचिका लगाई थी उसे तुरंत उस राज्यपाल ने पढ़ लिया और राज्यपाल भी सहमत है उस याचिका को लेकर। दोस्तों राज्यपाल ने भी तुरंत आदेश दिए कि भाई इस मामले की सही तरीके से और जांच की जाए और इस मामले में अच्छे तरीके से नियम के अनुसार सोच विचार करके ही अंतिम फैसला दिया जाए। दोस्तों इस तरह से राज्यपाल के द्वारा बोलना और लगातार याचिका लगाना, दोस्तों यह तो यही साबित करता है कि भाई उसकी वह उम्र कैद में बदल जाएगी। उम्र कैद में बदलने का एक और सबसे बड़ा रीजन कि उस शबनम का एक लड़का भी है। दोस्तों अगर इस तरह से दोस्तों उस सजा को लेकर किसी प्रकार से उस बच्चे के दिमाग पर कोई असर पड़ता है तो उसका फ्यूचर खतरे में आ सकता है, यानी उस बच्चे का कैरियर खराब हो सकता है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग पर ऐसा असर पड़ेगा, क्योंकि वह दोस्तों जब मां से बिछड़ा तब उस बच्चे की उम्र 7 वर्ष थी। दोस्तों 7 वर्ष का बच्चा अपनी माँ को कभी नहीं भूल सकता और यह संभव भी नहीं है, चाहे कोई भी उसे भुलाने की कोशिश करे लेकिन नहीं भूल सकता। और उस बच्चे को जेल के अंदर ही शबनम ने एक अच्छी शिक्षा दी और उसे जो संस्कार दिए वह भी अच्छे दिए। दोस्तों इन सभी बातों को कभी भी वह लड़का भुला नहीं सकता। ना ही दोस्तों मैं उस लड़के का नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ। उम्र कैद में बदलने का दूसरा कारण भी आपको पता चल गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों, जिसे सुनने के बाद तो दोस्तों 99% यह पक्का साबित हो जाएगा कि शबनम की वह सजा उम्र कैद में हो जाएगी। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा रीजन कि शबनम से पहले भी दोस्तों कई औरतें इसी प्रकार से बल्कि इससे भी बड़ा गुनाह कर चुकी हैं। दोस्तों उन्हें भी इसी प्रकार की सजा सुनाई गई थी लेकिन अभी तक उन्हें दोस्तों उम्र कैद ही हो गई है। चौथा सबसे बड़ा कारण है जिसे सुनने के बाद तो आपको भरोसा हो जाएगा। दोस्तों शबनम और सलीम को लेकर दोस्तों लगभग 14 साल हो चुकी हैं उन्हें सजा काटते हुए दोस्तों जेल के अंदर। 14 साल कितनी होती हैं यह तो उसी व्यक्ति को अनुभव हो रहा होगा जो कि उस जेल के अंदर काट रहा होगा। एक दिन किस तरह से गुजर रहा होगा यह तो उन्हीं लोगों को पता चलता है। यह चौथा सबसे बड़ा कारण है जिसे जानने के बाद आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताना। लेकिन दोस्तों पांचवा जो कि जनता का कारण है, तो दोस्तों देश की जनता के द्वारा और दोस्तों जो साधु हैं, जो बाबा हैं, यानी दोस्तों जो हिंदू धर्म के जो साधु हैं उनके द्वारा भी यही बोला जा रहा है कि भाई किसी भी महिला को इस भारत देश में इस प्रकार की सजा ना दी जाए, क्योंकि इस भारत देश में हमेशा से पुराणों से दोस्तों नारी शक्ति का सम्मान करता आया है और पूजता आया है।
और फिर इसी भारत देश में और किसी महिला को इस प्रकार की सजा दी जाएगी तो इसके कारण इस भारत देश में महासंकट आ सकता है। ऐसा दोस्तों साधु जो हिंदू धर्म के साधु हैं उनके द्वारा बोला गया है। और दोस्तों याचिकाएं भी लगाई जा रही हैं, वह भी शबनम को दोस्तों उस उम्र कैद में बदलवाने के लिए लगाई जा रही है। लगातार इस प्रकार से चारों तरफ से दोस्तों शबनम की उस सजा को सिर्फ बदलवाने के लिए। तो दोस्तों इतने सारे कारण है और इन सभी को सुनने के बाद भी आपको लगता है कि शबनम की सजा नहीं बदली जाएगी तो दोस्तों यह आप गलत सोचते हो। शबनम की दोस्तों 99% वह सजा बदली जाएगी उम्र कैद में, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से कानून ने पहले भी कई फैसले लिए हैं उसी प्रकार से शबनम के केस को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो कि जनता का है, क्या शबनम की सजा उम्र कैद में बदल दी जाएगी तो क्या इसके साथ साथ सलीम के साथ भी ऐसा होगा? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल सही कहा दोस्तों। जिस प्रकार से शबनम और सलीम दोनों ने मिलकर यह गुना, इतना बड़ा गुना किया, इतना बड़ा दोस्तों क्या बोले। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों की उम्र को लेकर ही, तो दोस्तों 2012 में जिस तरीके से इन दोनों को सजा सुनाई गई थी उसी प्रकार से दोस्तों अगर यह सजा बदली जाएगी तो दोस्तों इन दोनों की बदली जाएगी, सलीम की भी बदली जाएगी। क्या आप लोगों को यह लगता है कि इस शबनम के केस में सिर्फ शबनम सलीम का मैटर है? नहीं दोस्तों, शबनम के केस में एक सबसे बड़ा उछाल आया है और वह आया दोस्तों शबनम के पिता की प्रॉपर्टी को लेकर। दोस्तों उस प्रॉपर्टी पर क्या क्या खेल होंगे आपको आगे पता चलेगा भविष्य में, जब शबनम सलीम की सजा को लेकर कोई फैसला आएगा। दोस्तों शबनम की उस प्रॉपर्टी पर किन लोगों का हक है? शबनम के पिता की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वह बहुत ही करोड़ों रुपए की है और उसे लेने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। अब लाखों लोग क्या बोलें दोस्तों, बहुत लोग तैयार हैं। और इसके बारे में भी जल्दी ही खबर आएगी दोस्तों, बड़ा अपडेट आएगा उसे भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोगों को यह अपडेट्स मिल सके। चलता हूं दोस्तों, धन्यवाद।